मुल्तान की मेंबरानी असेंबली की आपसी चपकलश के चर्चे, वज़ीर आला व्हाट्सएप ग्रुप में बोले जाने वाले लगे तनकीदी जुमले। एमपी नदीम कुरैशी और सलमान नईम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला, नदीम कुरैशी का सलमान नईम पर तनकीदी वार। बागियर खान के हमरा फ्लेक्स ग्रुप में पोस्ट कर दिया, सलमान नईम के सख्त जुमलों पर नदीम कुरैशी को वीडियो हटाना पड़ गई। मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ छोड़ना बुजदलों का काम है, सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तैन का सड़कों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर वज़ीर आज़म से मोहब्बत का सबूत देंगे, इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और रहेंगे। नून लीग दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान बिलाल भट्ट के बयान पर हुकूमती एमपीए जावेद अख्तर इंसारी का रद्द अमल, कहा हम इस वक्त नहीं गए जब नून लीग की हुकूमत थी, तो हम इमरान खान के अब भी शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम तो उस टाइम नहीं तुम्हारे पास आए जब तुम्हारे पास दौरा इकदार था, हुकूमत थी, तुमने क्या नहीं किया? अपोजिशन हमने काटी या फंड तुमने नहीं दिए, जेलों में हमें डाला। और भाई हम लोग बिकने वाले नहीं हैं ना झुकने वाले हैं, ये बासी बातें और ऐसे इंटरव्यू देना बंद करो। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। वफादारियां तब्दील करना एक मकरूह धंधा है, मौजूदा सियासी हालात पर रहीम खान से हुकूमती एमपी आसिम मजीद ने खामोशी तोड़ दी, कहा इमरान खान के खिलाफ बैनुल अक़वामी और मकामी ताकतों को शिकस्त होगी, तहरीक अदम एतमाद 100% नाकाम होगी, ऑपोजिशन भी जलसा करेगी मगर हमारा जलसा तारीखी होगा। देखें जी, तहरीक अदम एतमाद तो 100% नाकाम होगी इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में एक जोश व खरोश, एक जज्बा है इमरान खान के साथ अजहार यकजहती हो रहा है और ये बहुत बड़ा जलसा 27 तारीख को होने जा रहा है। अगर अपोजिशन भी जलसा करना चाहे तो शौक से करे, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का जलसा होगा तारीखी जलसा होगा। सियासत की रोज़ बरोज़ बदलती सूरत हाल, लैया सकाफ लीग के साबिक एमपीए चौधरी अल्ताफ भी बोल पड़े, कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर परवेज इलाही के फैसले का सबको इंतजार है, बल्दियाती इंतखाबात में काफ लीग भरपूर हिस्सा लेगी। नून लीग का लॉन्ग मार्च को भरपूर कामयाब बनाने का आज़म, बहावलपुर के जिले रहनुमाओं का बड़ा दावा, इस्लामाबाद जलसे की भरपूर कामयाबी की नबी दे दी, साबिक मेयर अकील नजम हाशमी की जेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। तेईस मार्च ममलकते खुदादाद की तारीख का अहम दिन, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में 23 मार्च की तकरीब हुई, तलबा और तलबात की जानिब से तकारीर और टैबलोज पेश, वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली समेत दीगर की शिरकत, उधर डीएचए मुल्तान में स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज, मुख्तलिफ रंगों के फूल पेश, फेस्टिवल 26 मार्च तक जारी रहेगा। प्यारा हमें जान से ये चमन है, अकीदा हमारा ये अपना वतन है, डीडी खान आर्ट्स काउंसिल में तकरीब यौम पाकिस्तान, पुलिस लाइंस डीडी खान में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, कमिश्नर लियाकत चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ एमपीए शहीना नजीब खोसो समेत दीगर अफसरान की शिरकत, कमिश्नर ने आर्ट्स काउंसिल में परचम कुशाई की और सलामी भी दी। तो लैया में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई, मुआवन वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी की खसूसी शिरकत, परचम कुशाई, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की, उधर पीटीआई जामपुर की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर रैली, ज़िलाई रहनुमा समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। गाड़ियां जमीन पर, कीमतें आसमान पर, टोयोटा मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया, अटलस ग्रैंड ईएक्स 1.8 सीटीवी ब्लॉक की कीमत में 4,90,000 रुपये इजाफा, क्रोला एक्स 1.8 सीटीवी 4,27,000 रुपये महंगी, क्रोला एक्स 1.6 एटी की कीमत 3,95,000 रुपये बढ़ गई।
रमजान मुबारक में 10 किलो आटा 450 रुपए का मिलेगा। मुल्तान के रमजान बाजारों के लिए खसूसी प्लान, गंदम की सप्लाई और आटे की तकसीम का तरीकाकार वाज़े कर दिया गया। आटे की तकसीम और तरसील का अख्तियार जिला इंतजामिया को तफवीज, तमाम इख्तियार डीसी के पास होंगे। महकमा खुराक का मुरासला। रंगपुर इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन 2 साल से गैर फाल, महंगा पड़ गया। शहरियों को मुजरे सेहत पानी का इस्तेमाल, शहरी हेपेटाइटिस समय दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मकीनों का फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा। मुल्तान के बासियों की मुश्किलात थम ना सकी। बस्ती लंगड़ियाल की सड़क गुजशत 7 माह से तोड़फोड़ का शिकार। मियांवाली में सुकैना अस्पताल के सामने से गुजरने वाला रोड भी खस्ता हाल। राहगीरों को मुश्किलात, धूल मिट्टी से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दुनियापुर में चाह मोहसिन वाला के 62 अफराद का मेफको रिकवरी टीम पर हमला। एलएस रिजवान शरीफ समेत 4 अफराद को यरकमाल बना लिया। मिन्नत समाजत पर रिहाई मिली। एसडीओ कैसर शहजाद की मुदैयत में थाना सिटी में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अशफाक शाह इकबाल के जिम्मे वापदा के 3,75,000 रुपये वाजबुलात। कच्चे में डाकू राज, शहरी फिर से होने लगे अगवा। खानीवाल का रिहायशी 7 लाख तावान देकर रिहा। कच्चे में कई मुगवी जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। रिहा होने वाले तारिक ने आंखों देखा हाल रोही को बताया। आरपी मुल्तान और डीपीओ खानीवाल से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान ने सजाया खुशियों भरा मैदान। इब्ने सीना अस्पताल में स्पोर्ट्स गाला, खेलों के मुकाबले में तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रहीम खान में सिंध और पंजाब क्रिकेट टीमों के दरमियान फाइनल टाकरा। सिंध ने पंजाब की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सिंध ने 3 मैचेस की सीरीज 1-2 से जीत ली।